हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है -π/2 π/2 साइन की पावर 7x dx। इसको हमें सोल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। ये करते हैं, लेट आई इजकल टू -π/2 2 + π/2 साइन की पावर 7 dx। अब हमें मिला है -π/2 से +π/2 साइन की पावर 7x। तो हम पहले ये चेक करते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये ओड फंक्शन है हमारा कि इवन फंक्शन है। तो ओड क्या होता है, जब फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फंक्शन एक्स के इज इक्वल टू होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस पुट करते हैं और पूरा फंक्शन माइनस में चेंज हो जाता है, देन वी कैन से दिस इज ओड फंक्शन। अब देखते हैं, ये हमारा साइन की पावर 7x, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू, अगर मैं अभी यहां पे एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स और इसकी पावर 7, देन इट विल बी माइनस साइन एक्स की पावर -7, सॉरी एक्स की पावर 7, देन माइनस साइन की पावर 7x। इसका मीन्स क्या हुआ कि फंक्शन माइनस एक्स इजिकल टू माइनस फंक्शन एक्स है, सो दिस इज ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? ओड फंक्शन है। अब अगर ये ओड फंक्शन है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, इफ लिमिट इज -a to a, माइनस ए से लिमिट है फंक्शन एक्स, और इंटीग्रेट करते हैं, और अगर यहां पे ये 0 के इक्वल होगा इफ फंक्शन एक्स क्या है, एक ओड फंक्शन है। ये क्या है? एक ओड फंक्शन। अब हमने बताया भैया साइन की पावर 7x जो है ये कैसा है, हमारा ओड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको पुट किया साइन की पावर माइनस एक्स और ये हमारा माइनस साइन की पावर 7x हुआ, तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये ओड फंक्शन है। देन अब हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे, -π/2 2 + π/2 साइन की पावर 7x डी एक्स इज इक्वल टू 0। रीजन लिखेंगे यहां पर, चूंकि दिस इज ओड फंक्शन, और यही आपका आंसर। दोस्तों जब भी हमारा -a to +a, यानी कि जो भी माइनस के नीचे की लिमिट है और वही माइनस के ऊपर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन ओड है कि इवन। अगर हमारा फंक्शन ओड हुआ तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, और हम सीधा इसमें प्रॉपर्टी यूज करके इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे।